नमस्कार, स्वागत है आपका आईटीवी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महिमा और आज हम चर्चा करने वाले हैं झारखंड के महागठबंधन के बारे में, क्योंकि गठबंधन में कई पार्टियां जैसे कि आरजेडी हो या कांग्रेस हो खासा नाराज दिखाई दे रही हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अमन सर। आपकी मैं राय जानना चाहूंगी, कहीं ना कहीं कांग्रेस और आरजेडी जेएमएम से नाराज दिख रही है, ऐसा क्यों? देखिए बिल्कुल, और जब गठबंधन की सरकार होती है तो वाकई उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहां हमें आपकी माननी पड़ती है और कई बार जो हमारी बात है वो आपको भी माननी पड़ेगी, तो ये चीज़ें गठबंधन का हिस्सा हैं। ऐसे में अगर आप एक तरफा बातें चलाएंगे यानी कि कहने का अपनी मर्जी दूसरों पर थोपने की कोशिश करेंगे तो उसका फर्क तो पड़ेगा। और अब जब हम बात कर रहे हैं हेमंत सरकार की, तो तकरीबन 2 साल से ज़्यादा का वक्त सरकार को चलते हुए हो गया है, तो ऐसे में लगातार कई सारे सवाल उठ कर आ रहे हैं। क्योंकि अगर बीते दिनों की बात करें, जिस तरह से झारखंड में रोज़गार की का मुद्दा उठा कि युवाओं को रोज़गार देने की बात कहीं ना कहीं जो है कही गई थी वो फुलफिल नहीं हो पा रहे, इसको लेकर भी कहने कांग्रेस के कैमरे में नाराज़गी थी। इसके अलावा भी जो कांग्रेस के अपने मुद्दे हैं, अपनी कहीं जो गुटबाजी अंदर में नज़र आती वो भी बड़ी वजह है, क्योंकि लगातार जो कांग्रेसी खेमा है वो आपसी गुटबाजी का शिकार है। चाहे एमएलए की बात करें या जो मंत्री पद पर बैठे हैं उनकी बात करें, वो आपस में ही कहीं ना कहीं जो है नाराज रहते हैं एक दूसरे से, और ये लगातार देखने को मिल रहा है। चाहे वो पद पाने की ख्वाहिश हो, चाहे वो अपने लिए कुछ पार्टी में और बेहतर एक जो मुकाम की कोशिश हो, वो नज़र आया है आता रहा है कि कांग्रेस के जो विधायक है वो आपस में खुलकर एक तरीके से नाराजगी जाहिर करते रहे, खफा जो एक दूसरे से हैं वो नज़र आती रही है। तो कुल मिलाकर आपस में भी हैं और इसके अलावा जो कांग्रेस और हेमंत सरकार में जो मतभेद हैं वो भी हैं। और ये दरअसल जब उभर के सामने आया, जो हेमंत जो सीएम हेमंत है वो दिल्ली आए और यहाँ पर आकर राहुल गांधी से मिले, सोनिया गांधी से मिले, और उस समय ये हवा कहीं ना कहीं चली कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो जो हेमंत है सरकार है वो टूट जाए, यानी कि कांग्रेस को वो समर्थन जो है कांग्रेस वापस ले ले या उनसे वो हट जाए। और उसके बाद एक चर्चा ये भी चली कि हो सकता है कि हेमंत जो है वो अब बीजेपी के साथ जो है जोड़ दें और झारखंड में बीजेपी और हेमंत यानी कि जेएमएम की सरकार नजर आए, तो ये कई सारे प्रयास लगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा कि जिस तरह से मौजूदा वक्त में आरजेडी से नाराजगी कहने के साफ नज़र आ रही है, वहीं कांग्रेसी खेमा भी कई सारे मुद्दों को लेकर खफा है, तो बिल्कुल ये एक बहुत बेहतर माहौल नहीं कहा जा सकता है झारखंड सरकार के लिए। लेकिन आने वाले दिनों में देखने वाली बात यही होगी कि क्या तीनों ही दल मिलकर बैठकर बात कर पाएंगे, शॉर्ट आउट कर पाएंगे कुछ मुद्दों को, या फिर जो एक दौर है सत्ता से बाहर जाने का वो देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि हेमंत सरकार के लिए दौर कोई बहुत बेहतर नहीं चल रहा है। बीते दिनों हमने देखा था कि हेमंत सोरेन खुद दिल्ली आए हुए थे और कांग्रेस के प्रवक्ता या फिर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे डॉक्टर रामेश्वर उरांव भी दिल्ली का दौरा कर रहे थे सेम समय पर, तो ये मतभेद के संकेत हमें झारखंड गठबंधन में दिख रहे हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है अपने आप में ये, क्योंकि दोनों ही नेता यानी कि जो रामेश्वर उरांव की बात करें जो अध्यक्ष है कांग्रेस के झारखंड से, वो भी दिल्ली में उसी इन वक्त होते हैं। इसके अलावा जब जो है हेमंत सीएम हेमंत वो भी उसी वक्त होते हैं दिल्ली में, तो कई बार ये भी कहा गया कि हो सकता है कि अंदर खाने में कुछ प्रॉब्लम चल रही है या जो कांग्रेसी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है हेमंत सरकार से, या हेमंत सोरेन खुश नहीं है कांग्रेस से। तो ये कई सारे बातों का निकल गए, कहीं ना कहीं जो कयासों का दौर है वो चला, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कि हाँ गठबंधन वापस लेना चाहते हैं या आपस में कोई बहुत गहरे मतभेद हैं, इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह की खबरें छिटपुट खबरें सामने आती रहीं, अटकलों का बाजार कहीं ना कहीं गर्म होता रहा, उसने कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर साबित की कि झारखंड में सब कुछ बहुत बेहतर नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं आपस में जो मतभेद हैं यानी कि जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन है, इनमें आपस में मतभेद हैं और वो खुलकर भले ही सामने ना आ पा रहे हों, लेकिन अंदर खाने में स्थिति कोई बहुत बेहतर नहीं है। तो ऐसे में जो बीजेपी के सांसद हैं गोड्डा से निशिकांत दुबे, उन्होंने भी ये बात कही कि हो सकता है कि अब हेमंत जो सोरेन है वो एक नया साथी तलाश रहे हों, क्योंकि अब उनका मन शायद कांग्रेस से ऊब गया है। तो कुल मिलाकर बहुत सारी स्थिति निकल कर आती है, बहुत सारी चीज़ें बनती हुई नज़र आती हैं। लेकिन हाँ, ये कहने बिल्कुल अब इसमें कोई गुंजाइश की बात नहीं है कि इस समय हालात जो हैं वो झारखंड कांग्रेस के, झारखंड जो मुक्ति मोर्चा की बात करें उनके, या फिर आरजेडी झारखंड की बात करें, कि तीनों ही दल जिस तरह से सरकार में आए थे वो हालात अब उतने बेहतर नज़र नहीं आ रहे हैं। क्योंकि आरजेडी भी अपनी बातों से कहीं ना कहीं खफा है, वो भी चाहती है कि भाई हमें कुछ बेहतर मुकाम पार्टी के अंदर या सरकार में मिलना चाहिए। भाई कांग्रेसी जो एमएलए हैं जो
पद पाने की ख्वाहिश रख रहे हैं कि भी मंत्री हमारे ज़्यादा बढ़ाए जाएं, क्योंकि अभी भी कुछ मंत्री की जगह खाली है। तो ये जो ज़रूर हम कह सकते हैं कि ज़रूर दिखाई दे रहा है कि आपस का जो तालमेल है वो कोई बहुत शानदार नज़र नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये जो आपस का जो झगड़ा है ये बढ़े, और ऐसे बढ़े कि आपस में इनमें झगड़ा हो सकता है कि आपस में झगड़ा करने के बाद ये लोग समर्थन भी वापस ले लें या सरकार भी इस तरीके से सत्ता से चली जाए। तो ये कयासों का दौर है, इसमें कोई पुख्ता तौर पे हम नहीं कह सकते कि हाँ ऐसा ही होने वाला, लेकिन हाँ जो खबरें सामने आती हैं उसके आधार पे कहने के हम ये कह सकते हैं। जो छोटी मोटी खबरें हमारे सामने आ रही है उससे कयास तो लगाए जा सकते हैं कि गठबंधन में मतभेद कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं। क्या ये मतभेद इतना बढ़ जाएगा कि सरकार जो है वो गिर जाएगी, और गिर जाएगी तो कब तक? देखिए नहीं, मैं कब तक तो मैं नहीं कहूँगा महिमा जी, लेकिन हाँ ये जरूर कहूँगा कि जिस तरह से कांग्रेसी खेमा अपने ही जो है अध्यक्ष यानी कि रामेश्वर उरांव से बुरी तरह से खफा है, और देखिए आपस में जिस तरह के मतभेद बढ़ रहे हैं, तो ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है कि कब ये सरकार गिर भी जाए, क्योंकि अगर आपस में ही जो है तलखी का दौर इस तरह देखने को मिलेगा तो हो सकता है कि विधायक आपस में बंट जाए और अल्पमत में आ जाए हेमंत सरकार। तो ये बड़ी बात नहीं अपने आप में कहना कि बची रहेगी या गिर जाएगी, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि जो हालात हैं वो कोई बहुत बेहतर नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब कि सरकार रह भी सकती है और सरकार जा भी सकती है, लेकिन अब ये तो तीनों दलों को बैठकर तय करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन तीनों दलों ने सरकार मिलकर चलाई है आने वाले दिनों में क्या सरकार चलेगी, और क्या इसमें बीजेपी सेंध मारी करने की कोशिश कर रही है अपने आप में, ये भी बड़ा सवाल है। अगर इस बीच कांग्रेस अपना समर्थन वापस लेती है तो क्या जेएमएम के पास भाजपा में जाने का विकल्प खुला हुआ दिख रहा है? देखिए भाजपा के साथ मेरे ख्याल में तो गठबंधन शायद ना करे हेमंत सरकार, लेकिन देखिए सियासत में कुछ भी पुख्ता नहीं है कि आप तयशुदा करके बैठ जाएं कि नहीं बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाएगी, कुछ भी हो सकता है, विकल्प खुले हुए हैं। और बीते दिनों जिस तरह खबरें आई सामने कि पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं और तमाम जो बीजेपी के नेता उनसे मिलना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये खुला हुआ खेल है पॉलिटिकली, और अगर सरकार में उनको रहना है तो जरूर ही कांग्रेस के बाद बीजेपी एकमात्र विकल्प बचता है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि झारखंड का गठबंधन कितनी दूर तक चलता है या फिर गिर जाता है। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आया